हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। सो गाइस यार आज का ये वाला जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आज जैसे मैं सुबह उठा ना मेरे को भाई साहब धड़ाधड़ इतने सारे मैसेजेस आने लगे ना भाई साहब। सारे बंदे कह रहे कि भाई पबजी मोबाइल बैन हो गया, पबजी इंडिया में बैन हो गया, ये वो, मतलब तरह तरह के मैसेजेस आ रहे। और आखिर ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यार सीन कुछ ऐसा है ना कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई साहब इंडिया से अभी हाल फिलहाल में 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, जिसमें भाई साहब कई तरह के एप्लीकेशन थे, वीचैट, टिकटॉक एंड बहुत सारे एप्लीकेशन। तो इनको जिस तरह बैन किया गया है उसी तरह 89 एप्लीकेशन का एक न्यू लिस्ट आया है जिसमें पबजी भी शामिल है। तो भाई साहब क्या पबजी बैन हो जाएगा इंडिया में? चलो यार इसका सच मैं आपको बताता हूं। तो यार इसका सच जानने के लिए मैं चल पड़ा गूगल पे एंड गूगल पे मैंने जाके सर्च किया पबजी बैन। तो भाई साहब धड़ाधड़ इतने सारे आर्टिकल्स मुझे मिल गए ना, जिसमें से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा गैजेट 360 का था, ये एनडीटीवी का है। तो बेसिकली इसका मैंने आर्टिकल पढ़ा एंड इसमें मुझे मालूम चला कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहां पे हेडलाइन में लिखा हुआ है भाई साहब कि इंडियन आर्मी आस्क पर्सनल टू डिलीट 89 एप्स इंक्लूडिंग फेसबुक, टिकटॉक, टिंडर, पबजी। तो यार क्या सच में पबजी इंडिया में बैन होने वाला है? तो गाइस यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे अगर आप लोग हाइलाइट्स में जाओ तो यहां पे आप लोग देख सकते हो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि द बैन इज ओनली फॉर आर्मी पर्सनल नॉट सिविलियंस। तो यार ये जो 89 एप्स पे बैन लगने वाला है वो हमारे लिए नहीं है, वो सिविलियंस के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए एंड आर्मी पर्सनल्स के लिए। तो बेसिकली आखिर ऐसा क्यों है? तो भाई साहब मुझे इसका एक्यूरेट रीजन नहीं मालूम है। हो सकता है कि शायद ये 89 एप्स को लेकर, मतलब भाई साहब ये कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ता होगा इसका, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे एक्यूरेट रीजन नहीं मालूम है। और यार यहां पे 89 एप्स का एक प्रॉपर लिस्ट भी आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये है वो सारे 89 एप्लीकेशन जिसमें भाई साहब पबजी भी है एंड टिकटॉक भी है एंड फेसबुक भी है, स्नैपचैट भी है, इंस्टाग्राम भी है, कई सारे ऐप्स है जो नॉन चाइनीज है वो भी है। तो बेसिकली गाइस ये एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन यहां से भाई साहब इससे ये साबित नहीं होता है कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन होने वाला है। लेकिन हाँ अगर बैन होने वाला है तो वो आर्मी के लिए, एंड यार मुझे एक्यूरेट रीजन तो नहीं मालूम कैसा क्यों है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। सो यार गाइस ये न्यूज़ एकदम 100% सही है, यानी कि यार ये जो 89 एप्लीकेशन का लिस्ट आया है, अगर इंडियन आर्मी इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन उनके डिवाइस में है, तो ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि भाई साहब इमीडिएटली वो एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया जाए। एंड आई डोंट नो कि यार इसका रीजन क्या है, क्यों डिलीट करवाया जा रहा है, क्योंकि यार ये जो 89 एप्लीकेशन का लिस्ट आया है उसमें कई सारे एप्लीकेशन भाई साहब नॉन चाइनीज है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड ये सारे एप्लीकेशन नॉन चाइनीज है। तो आई डोंट नो कि क्यों करवाया जा रहा है, बट लेट्स सी, यार धीरे धीरे मालूम चली जाएगा। एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूं गाइस कि ये जो 89 एप्लीकेशन के लिस्ट आए हैं वो हम सभी के लिए नहीं है, वो सिविलियंस के लिए नहीं है, इस पे कोई भी बैन हम लोगों के लिए नहीं लगने वाला है। हमारे लिए तो भाई साहब वही 59 एप्लीकेशन पे बैन लगा हुआ है जो आप लोग भी जानते हो यार, कुछ दिन पहले जो भारत सरकार ने लिस्ट निकाला था। तो वेल गाइस होप करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज के ये वाला वीडियो देख के। एंड यार बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाया, तो अगर कुछ भी आपको उल्टा सीधा लगा होगा तो इग्नोर करना, ठीक है। और यार आज का जो ये वाला वीडियो है ना वो आप लोग लाइक करो, अपने आर्मी के लिए लाइक करो, अपने इंडियन आर्मी के लिए लाइक करो यार, मतलब बस कर डालो यार। और जो कोई भी चैनल पे नया यानी कि आपसे मेरे ये वाला वीडियो देखना शुरू किया तो मित्रों नीचे जाके कर लो चैनल को सब्सक्राइब, कर लो बेल आइकॉन को क्लिक, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आपका भाई आप सभी के लिए रोजाना लाते रहता है। और गाइस यार आज का ये वाला वीडियो जल्दी से जल्दी अपने भाई बंधु यार दोस्त सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी को ये न्यूज़ ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शेयर मारो और यार आज के इस वाले वीडियो में कमेंट करो, बस यार इंडियन आर्मी के लिए कमेंट करो यार, कुछ शायरी लिख दो या कुछ भी यार लिख दो, मतलब बस इंडियन आर्मी के लिए कमेंट होना चाहिए, तो बस करो यार। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।